यज्ञ से प्रकृति का परिवर्तन, संरक्षण, संवर्धन होता है। ये नगरी भगवान शिव की है। तो भोलेनाथ के निमित्त 125,000 महामृत्युंजय का जप यहाँ हुआ। जप का हवन होता है। हवन के बाद संतों और जनता को भंडारे का कार्य संपन्न हुआ। उसके बाद बौद्धिक स्तर पर अगर देखा जाए तो मानस विवाद का ग्रंथ नहीं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। विक्षेप चित्त की शांति का आधार है। व्यवहारिक सामाजिक दशा में पड़े हुए व्यक्ति के जीवन का परिवर्तन परिष्कार मानस से होता है। मानस समरसता का संदेश देता है। और राम राज्य का है, सब नर करहिं परस्पर प्रीति, चलहिं स्वधर्म निरत श्रुति नीति। श्रुति नीतियों के आधार पर जब व्यक्ति चलता है तो परस्पर प्रेम स्नेह सौहार्द का वातावरण निर्मित होता है। लेकिन जो व्यक्ति अनर्गल प्रलाप करते हैं, जिनको सनातन धर्म संस्कृति का रंच मात्र ज्ञान नहीं है, ये 10-20 जन्म भी लें तो न मानस को समझ पाएंगे न सनातन धर्म को समझ पाएंगे। ये समाज में विष बमन करने का काम करते हैं। जनता ने इनके क्रियाकलापों से विक्षेपित होकर इनकी एक तरह से सदस्यता विधायिकी छीन लिया। अब जिसका छिन जाता है तो प्रीति करें जब तीनों भाई, उपजय सन्नपात दुखदाई। सन्नपात का रोगी अनर्गल प्रलाप करने लगता है तो ऐसे लोग जो समाज के सामाजिक संतुलन बिगाड़ने का काम करते हैं, समाज में विष बमन करने का काम करते हैं और मानस जैसे ग्रंथ को जलाने का काम करते हैं। पूर्व में भी लोगों ने नालंदा को जलाया तो जाको दुख दारुण प्रभु देही, ताकि मत पहले हर लेही। कुल खानदान का आज उनका नाम लेवा नहीं है, चाहे नालंदा को जलाया, तक्षशिला को जलाया या भोजशिला को जलाया, आज उनका कुल खानदान पूरा जड़ मूल से समाप्त हो गया। ते अपने विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं और केवल शास्त्री लोक पिता के लिए मानस जैसे ग्रंथ के परिपेक्ष में राम के जीवन से ही लोगों का प्रारंभ होता है। प्रातःकाल उठेंगे तो राम राम, और जीवन का जब अंतिम पर्यासान होता है तो राम नाम सत्य है। गुरु जी, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य ने कुछ दिन पहले रामचरित मानस को लेकर अमर्यादित टिप्पणी की थी, वहीं अब उन्होंने साधु संतों के ऊपर अमर्यादित टिप्पणी करते हुए उन्हें भगवा आतंकवादी कहा है, क्या कहेंगे इस पे? जो जैसा रहता है उसको वही दिखता है। ये आतंकवादी होंगे तो इनको संत आतंकवादी दिख रहे हैं। संत का जीवन सताम संघा सत्संगा, या संत का जो है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मना। मन वाणी कर्म में जहाँ एक रूपता की शिक्षा हो उसको संत कहते हैं। और नेता न इतः न उतः, मनस अन्यत वचस अन्यत कर्म अन्यत दुरात्मना। मन में कुछ और है, वाणी में कुछ और है और व्यवहार में कुछ और है। ये 4 से 20 का लक्षण है। तो जो जैसे जिसका चश्मा रहता है, नीला है तो नीला दिखेगा, काला है तो काला दिखेगा। जो आतंकवादी होगा उसको सब आतंकवादी दिखेगा, जो सत्यवादी होगा उसको सब सत्यवादी दिखेगा। तो ये आतंकवादी कृत इनके होंगे तो ऐसे लोगों को जेल में रहना चाहिए। 3rd degree का इन पर प्रयोग होना चाहिए। और ये समाज में अगर बाहर रहेंगे तो ऐसे विषभमन करते रहेंगे, समाज का, प्रदेश का, देश का माहौल खराब करेंगे। ये लोग जहाँ दलितों की बात करते हैं, अभी राजस्थान में राजस्थान की गवर्नमेंट ने जो हिंदू वापस आए हैं वो सब दलित हैं। और दलितों के नाम पर राजनीति करने वाले ये गद्दार उन दलितों के बारे में एक शब्द नहीं बोलते तो ये तो देशद्रोही मानसिकता है। सामाजिक संतुलन को ये नाश करना चाहते हैं। इन लोगों को बाहर न रखे, इनको जेल में होना चाहिए। 10-20 दंड लठ मारकर शासन को इनको जेल में डालना चाहिए, जिससे प्रदेश का, देश का अमन चैन शांति सद्भाव बना रहे। दलितों के नाम पर ये रोटी खाकर OBC के नाम पर करोड़ों का धन जो इकट्ठा किए हैं, ऐसे लोगों का नार्को टेस्ट होना चाहिए और इनकी सब प्रॉपर्टी
दलितों में गरीबों को बांट देना चाहिए, चाहे ये हो चाहे मायावती, करोड़ों की प्रॉपर्टी की मलकिन बन गई। और अगर ये दलित सितैसी हैं तो आज भी करोड़ों दलित फूस की झोपड़ी में रहने के लिए मजबूर हैं, तो उनका शोषण इन्हीं लोगों ने किया। अगर देखा जाए तो जहाँ तक ये ओबीसी एससी के इनका शोषण किया गया, अगर हम देखें तो नापित नंद नई बिहार का राजा होता था, नहीं थी कि महाराजा हरिश्चंद्र को खरीद ले, तो बनारस का संपन्न समर्थ कौन था? डोम राजा, जो ओबीसी का व्यक्ति था, वो राजा हरिश्चंद्र को खरीदने की समर्थ रखता था। लेकिन ये धर्म के ठेकेदार और अंबेडकर के संविधान ने दलितों और ओबीसी का सबसे ज़्यादा शोषण किया, और ये आरोप सवर्णों पर लगाते हैं। इनकी बुद्धि की बलिहारी है, इनके विकृत मानसिकता का परिचायक है।